हेलो ओजस, आज मैं आपको अपने एक ऐसे स्टूडेंट से मिलवाता हूँ ओजस से, जिसने कि इस साल दोनों एनडीए में, जो सितंबर में एग्जाम हुआ था, एनडीए में दोनों एग्जाम में सिलेक्ट हुआ, और अभी इसका 20 दिसंबर को एनडीए के लिए एसएसबी का कॉल भी आ गया है। तो पहले तो ओजस, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई बेटा कि आपने ये थैंक रैंक यू सर। अचीव की। ओजस महाराष्ट्र बॉम्बे से है और भोपाल आके इसने क्लासरूम कोर्स ज्वाइन किया था, फिर कोविड के वजह से वापस घर लौट गया, और घर लौटने के बाद कंटिन्यूसली ऑनलाइन प्रिपरेशन की। तो ओजस, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, और मैं चाहूंगा कि आप अपना जो एक्सपीरियंस है, जो जर्नी है इम्पिटस में रह के, और फिर उसके बाद जो ऑनलाइन आपने कोर्स ज्वाइन कर, मतलब ऑनलाइन पढ़ते रहे, वो आप बताएं। और सबसे एक और अच्छी बात बताऊं कि ओजस और बाकी सब बच्चों को भी मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि हमें कट ऑफ की तरफ नहीं, कट ऑफ से ज्यादा देखना। ओजस के करीब 450 मार्क्स थे, और जब एग्जाम देने के बाद मार्क्स स्कोर किए तो कहीं कोई डाउट नहीं था कि होगा कि नहीं होगा। तो जस आप क्या कहना चाहोगे? यस सर, मैंने एक्चुअली मेरा पहले से 142nd कोर्स से मैं चालू किया हूँ फॉर एनडीए। मेरे तीन अटेम्प्ट सर ड्रॉप हो चुके थे बिफोर कमिंग टू भोपाल। तो भोपाल में मैं थर्ड अटेम्प्ट के रिजल्ट के तुरंत बाद आ चुका था। बिल्कुल 2-3 दिन में ही आई रिपोर्टेड टू भोपाल। सर मुझे एक गारंटी थी कि भोपाल आने के बाद मुझे गाइडेंस बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि इससे पहले जहाँ पे भी मैं था वहाँ पे मुझे सराउंडिंग बहुत अच्छा था, मुझे फ्रेंड्स बहुत अच्छे मिले थे, पर जो गाइडेंस की जरूरत होती है फॉर कॉम्पिटिटिव वो मुझे कहीं लैग होने होनी दिख चुकी थी सर। इन माई थर्ड अटेम्प्ट सर आई लॉस्ट माई कट ऑफ बाय 1 मार्क एंड आई केम टू नो अबाउट इट वेरी रिसेंटली। तो वो होने के बाद सब जब मैं भोपाल आया तब मुझे बहुत एश्योरेंस था कि मुझे गाइडेंस बहुत सही मिलेगा। सो आने के बाद सर मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा सही रहा, क्योंकि मैंने आपसे मिलने के बाद आई वेंट टू फाड़के सर। फाड़के सर और हम बहुत अलग सा बॉन्ड शेयर करते हैं, क्योंकि हम दोनों मराठी में बात करते हैं और हाँ वो था महाराष्ट्रियन, तो वो अलग सा बॉन्ड बन ही चुका था सर। बिल्कुल मैं बिल्कुल, मेरा जो वीक पॉइंट था मुझे लगता था वो साइंस ही था, क्योंकि मुझे 12th में भी बहुत ग्रेट परसेंटेज थे नहीं और साइंस में मैं बहुत लैग कर रहा था, और कहीं ना कहीं इंग्लिश के ग्रामर पार्ट में मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही थी। और उसके वजह से सर फाड़के सर मिलने के बाद इट वॉज लाइक वेरी गुड बॉन्ड। मैं उनके केबिन में डायरेक्टली चला जाता था, मुझे कोई भी डाउट हो वो मुझे बिठा के पूरा कंसेप्ट पढ़ाते थे उनका। और वो स्टाइल ऐसा है सबका ही, मतलब मैंने इम्पेटस में देखा है कि डेप्थ में पढ़ाया जाता है, वहां पे हमें डिसाइड करना है कि कहाँ तक पढ़ना है और एनडीए के लिए कहाँ तक जाना है, बिकॉज पूरी बात पढ़ाई जाएगी, डेप्थ से पढ़ाई जाएगी, बेसिक से पढ़ाई जाएगी। तो वो मैंने एक नोटिस किया था। और उसके बाद सर जो जीएस का पार्ट वहां पे कवर हुआ था और जो गाइडेंस की एक्चुअल नीड वहां पे मुझे पता चली थी सर, क्योंकि जीएस एक ऐसा पोर्शन है कि वास्ट है, आप जितना करोगे उतना कम है, और उस चीज के लिए गाइडेंस की बहुत जरूरत है। आपको पता लगना चाहिए कि आपको कितना पढ़ना है और किस एक्सटेंट तक पढ़ना है। तो प्रतीक मिश्रा सर थे ही और उन्होंने हमें बहुत अच्छा गाइड किया। हमने पॉलिटी इतनी डेप्थ में अच्छे से पढ़ी थी कि अपने आप इंटरेस्ट जनरेट हुआ कि हिस्ट्री में क्या चल रहा है और उसका रेलेवेंस ज्योग्राफी से कैसे है। उसके बाद सर ने हमें बताया कि एनसीईआरटी कौन से पढ़नी है और एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंस एक्चुअल क्या है और हमें कहाँ तक पढ़ना है, ये हमें पता चला सर। एंड आई वुड लाइक टू कोट दिस कि 12th की एनसीईआरटी से डायरेक्टली क्वेश्चंस इस साल फंसे थे, और जो सर ने हमें बताया था कि आप ये जरूर करके जाना, आई आई फाउंड देम। एंड उसके बाद पॉलिटी में तो कोई इशू आया नहीं और साइंस भी सर मैंने गुड इनफ अच्छे अमाउंट तक कर लिया था। वेरी गुड ओजस। और ओजस, आपने अभी फाल्के सर की जो बात बोली, तो मैं यहाँ पर आप सब बच्चों को भी शेयर करना चाहूंगा कि फाल्के सर से ही मैंने पढ़ा है, और मैं उनका भी स्टूडेंट रहा हूँ, और मैंने उनसे ही पढ़ाना सीखा है। और ये चीज इम्पिटस गुरुकुल की एक परंपरा है, उनको एक आदत है बेसिक से पढ़ाने की, वही आदत मुझे डेवलप हुई, और वही हमारे यहाँ की पूरी टीम को डेवलप हुई। और इम्पिटस गुरुकुल एक ऐसी फैमिली बन गया कि कोई भी बच्चा जब पढ़े तो बेसिक से पढ़े। और ये भी एक अच्छी बात बोली कि कौन कितना गेन कर सकता है, मतलब पढ़ाया इतने बेसिक से जा रहा है कि, और मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि हम रिजल्ट के लिए ना पढ़े, नॉलेज के लिए पढ़े। और ये चीज को समझा जिन बच्चों ने, उनका रिजल्ट आया, इस बार इतना अच्छा रिजल्ट आया। धीरे धीरे करके मैं सभी बच्चों के इंटरव्यू डालूंगा अभी। तो ओजस, एक और चीज है, कई बच्चे जो मिस्टेक करते हैं, मैं चाहूंगा कि आपने जब इम्पिटस ज्वाइन किया था, जब और उसके पहले, क्योंकि देखिए एनडीए में या सीडीएस में या डिफेंस में बात करें तो कई बार 1, 2, 3, 4 अटेम्प्ट ऐसा होता है। जैसे आपने एक चीज और नोटिस की होगी, अब आपके जो सीनियर है संतोष भैया, उनका आखिरी अटेम्प्ट में रिटर्न भी निकला और फाइनली एसएसबी सिलेक्टेड भी हो गए। ऐसे आपका भी होने वाला है, मुझे पता है, अभी आपके पास 2 एसएसबी हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
पर जो मैं एनडीए को पढ़ाते हुए फील करता हूं कि कई बच्चे ये सोचते हैं कि केवल थोड़ा सा पढ़ लिया जाए या कहीं बहुत पढ़ लिया जाए, बहुत मिसगाइडेड होते हैं। तो हम उनको एक, क्योंकि आप एक तरह से सिलेक्टेड हो, दोनों एनडीए निकाले और स्कोर भी इतना अच्छा किया है, तो क्या मिस्टेक है बेसिकली जो स्टूडेंट करते हैं, चाहे वो सेल्फ स्टडी कर रहे हो, चाहे वो किसी एकेडमी में ज्वाइन किए हो, चाहे जो भी हो, उनके मिस्टेक्स एरिए क्या है और उनको किस किस एरिए में वर्क करना चाहिए? सर सबसे पहली मिस्टेक कि एनडीए को बहुत छोटा एग्जाम समझा जा रहा था। कुछ अटेम्प्ट्स पहले अगर हमने देखा तो लोग ये सोचते थे कि आईआईटी का प्रिपरेशन कर लिया जाएगा तो शायद एनडीए निकल जाएगा, बट द सिनेरियो हैज चेंज्ड। अभी के सिनेरियो के हिसाब से गाइडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने जीएस का पार्ट कवर नहीं किया तो आपकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। लोग इस एग्जाम को अप्रोच कैसे करना है वो समझ नहीं पाते। सेकेंड पॉइंट, गाइडेंस की कमी होने के कारण वो इतना जो मटेरियल है उसमें घूमते रह जाते हैं। बहुत से बच्चे सीएससी की तैयारी करने लग जाते हैं, मतलब सिविल सर्विसेज के लेवल तक की तैयारी चालू कर देते हैं और उनको समझ में नहीं आता कि रुकना किधर। थर्ड पॉइंट सर, जैसे एनसीईआरटी और ये सब जो बेसिक्स है सर, हम वो छोड़ के रेफरेंस बुक से पीछे बहुत ज्यादा भाग जाते हैं। जैसे लोग पाथफाइंडर से मैथ सॉल्व करते हैं, पाथफाइंडर की लेवल एक्चुअली बहुत ज्यादा रखी गई है और वहां से डिमोलराइज हो जाते हैं और फिर आगे वो आ ही नहीं पाते। बिल्कुल। और सर डिसीजन लेट लेना, दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि हम डिफेंस एक ऐसी चीज है जो आप बचपन से जो चीजें सीखते आए हो, जो आप करते आए हो, उससे आपकी डेवलपमेंट डिसाइड होती है और उससे आपका वो एम डिसाइड होता है। सो बहुत से बच्चे डिसीजंस लेट लेते हैं एंड आई एम द विक्टिम ऑफ इट। तो मैंने भी डिसीजन 10th के बाद लिया था, तो आई वुड सजेस्ट कि ये मिस्टेक्स ना करें। और इवन इफ डिसीजन इज लेट, वर्क ऑन इट एंड यू हैव टू क्लियर दैट गैप, क्योंकि यहाँ पे वो सारे बच्चे आएंगे जो पहले से बहुत अच्छे से तैयारी करके बैठे हैं, पढ़ाई करके बैठे हैं। एंड आई कम फ्रॉम बैकग्राउंड की जहाँ पे मैंने ज्यादा पढ़ाई में ज्यादा इंटरेस्ट था नहीं, पब्लिक स्पीकिंग यहाँ वहाँ में मैं ज्यादा था। तो आई वुड सजेस्ट दीज थिंग्स ओनली एंड दीज आर द मेजर मिस्टेक्स विच आई थिंक इम्पेटस कवर्स, और ये सब क्लियर हो जाता है सर। देखो कितनी अच्छी बात बोली, ये मैंने आपसे इसलिए पूछा क्वेश्चन क्योंकि जब एक सिलेक्टेड बच्चा बोलता है तो बच्चे का थोड़ा एटीट्यूड चेंज होता है। कई लोग ये बात में बिल्कुल सच बोला उजत, कि वो ये बात के लिए कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें पढ़ना क्या क्या है, या वो पढ़ते ही चले जाते हैं या बिल्कुल कम पढ़ते हैं। एक प्रॉपर स्टडी जिसे बोलते हैं, एक सिलेक्टेड स्टडी, उसको लेके कई बच्चों के मन में कंफ्यूजन रहता है, तो ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। तो ये अच्छी बात बताई। और दूसरा मैं एक और चीज चाहूंगा कि बच्चे ये हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि जीएटी और मैथ्स, और जीएटी में कई सारे पार्ट है, तो उनके पास टाइम मैनेजमेंट की बहुत कमी होती है। अब इम्पिटस गुरुकुल तो बेसिकली जाना इसलिए जाता है क्योंकि बहुत पढ़ाया जाता है, इतना किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ाया जाता। आपने भी पढ़ा है, अभी भी बच्चे आए सर बहुत ज्यादा पढ़ाया जाता है, उसके बाद भी बच्चे टाइम मैनेजमेंट कर लेते हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि आप अपना एक टाइम टेबल, जो रूटीन था वो बताएं बच्चों को, और दूसरा सुबह से लेकर रात तक की एक्टिविटी और अपने डिसिप्लिन को किस ढंग से मैनेज करते थे, क्योंकि एनडीए में केवल पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ाई के साथ साथ अगर डे वन से डिसिप्लिन भी मेंटेन रखा जाए तो वो कहीं ना कहीं हमारे एसएसबी में काम आने वाला है। तो आपका क्या शेड्यूल था ये आप बताएं। सर इम्पेटस में आने के बाद एक सबसे अच्छी चीज ये हो जाती है सर कि आपको माहौल मिल जाता है, वहां पे आपके आजू बाजू में जब बच्चे होते हैं आप अपने आप डिसिप्लिन हो जाते हो, आप अपने आप मोटिवेटेड रहते हो और आप हर रोज काम करते हो। वो चीज बहुत जरूरी है, हर रोज काम करना बहुत जरूरी है। तो सर मेरा शेड्यूल कुछ ऐसा होता था कि आई यूज टू गेट अप एट 6 AM, 6 to 6:30, और उसके बाद में 7 o'clock तक कोचिंग में टच हो जाता था। लास्ट में हमने एक लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी वहां पे, जहाँ पे और ज्यादा शांतिपूर्ण माहौल हो, तो वहां पे मैंने ज्वाइन कर लिया था। और वहां पे सर मैं 7 o'clock को टच हो जाता था। आई रिमेम्बर दैट आई यूज टू ओपन द लाइब्रेरी एंड आई यूज टू बी द लास्ट टू क्लोज द लाइब्रेरी। तो वहां पे मैं और मेरा दोस्त निखिल, हम दोनों साथ में थे और हमने 7 o'clock को टच होने के बाद पूरा टाइम, जब ऑलमोस्ट 2 o'clock तक हमें टाइम मिलता था, तो उस टाइम तक हम पूरा स्टडी करते थे। जो भी पिछली बार पढ़ाया हुआ है उसकी रिवीजन होती थी, जहां पे भी मैं लैग कर रहा हूँ उसकी रिवीजन होती थी। तो मॉर्निंग में आई यूज टू प्रिफर टू गो फॉर मैथमेटिक्स, क्योंकि नींद आती थी या फिर कुछ होता था तो मैं उसके लिए स्पेशली मैथ्स करता था, ताकि मतलब ध्यान बना रहे। और उस टाइम पे सर मैंने एररलेस चालू करी थी फॉर मैथमेटिक्स, थोड़ी लेवल अप करने के लिए। पर जो भी इम्पेटस के नोट्स मिलते हैं, जहाँ पे भी हमारी असाइनमेंट्स होती है, देर आर मोर देन इनफ एंड दे आर एक्चुअली लाइक अ बुक ओनली।
तो उसके बाद सर दोपहर तक मैं करने के बाद आई यूज टू स्टार्ट विथ साइंस विच आई वॉज लैगिंग बिहाइंड। 9th 10th की NCERT मैंने अच्छे से कर रखी थी, तो उस टाइम में 2 बजे तक वो कर लेता था। उसके बाद 2 बजे के बाद क्लासेस चालू हो जाती थी एंड दे यूज टू गो ऑन टिल 8 o'clock। तो 8 बजे तक पूरे क्लासेस होने के बाद आई अगेन यूज टू गो बैक टू लाइब्रेरी, वहां पे जो भी पढ़ाया गया है उस पर एक बार क्रिस्प देख लो। और GS का पार्ट में रात में करता था 8 से 10:30 के बीच में ऑलमोस्ट। और उसके बाद वी यूज टू मूव बैक टू द हॉस्टल। हॉस्टल के बीच में 1 से 2 किलोमीटर का ऑलमोस्ट डिफरेंस है, तो उस टाइम में हम दिन भर में जो भी हुआ उसकी डिस्कशंस कर लेते थे, या फिर आई यूज टू कॉल एट माय होम, आई यूज टू टेल माय फादर कि मैंने क्या क्या किया है, क्योंकि वो भी मुझे बहुत अच्छे से गाइड करते थे और एक मॉरल सपोर्ट भी रहता था। उसके बाद घर पे आफ्टर बीइंग एट हॉस्टल में एक चीज हर रोज करता था एंड आई वुड एंडोर्स दिस डेफिनेटली कि मैं करंट अफेयर्स हर रोज लिखता था। जो भी जहां से भी मैं पिकअप करूँ हर रोज करंट अफेयर्स लिखता था। मेरी 3 बुक्स भर चुकी है, मैंने दिसंबर से फॉलो करना चालू किया था, लगा नहीं था कोविड आएगा, सितंबर तक फॉलो करना पड़ा, पर पूरे 3 बुक्स मैंने भर डाली थी। पर सर उसके वजह से मुझे आज जो एज मिल रही है SSB के लिए वो मैं बहुत जरूरी समझता हूँ। और करंट अफेयर्स के लिए मतलब लोग उसको लास्ट के 2-3 महीने में कर लिया जाएगा करके सोचते हैं, पर अगर आपने करंट अफेयर्स हर रोज फॉलो किया तो आपके मतलब आपके स्पीच में वो झलकने लग जाता है, आपको हर एक चीज की कनेक्टिविटी समझती है। और कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीज पड़ी हुई जब आपको पेपर में दिखती है तो उससे बड़ी चीज कुछ नहीं हो सकती, उसके हैप्पीनेस वाली चीज कुछ नहीं हो सकती। उसके बाद सर 12 o'clock वी यूज टू लाइट्स ऑफ, उसके बाद ही बहुत बच्चे पढ़ते थे, वो डिपेंड करता है हर एक के टाइम शेड्यूल पर। बिल्कुल 12 to 6 आई यूज टू स्लीप एंड अगेन द रूटीन स्टार्ट्स। देखो बहुत अच्छी बात बोली ओजस, और दूसरा आपने एक बच्चे का नाम लिया निखिल, उसका भी सिलेक्शन हो गया, उसका भी मैं इंटरव्यू बहुत जल्दी लेने वाला हूँ। जो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपने गुरुकुल में आके एक तो सबसे पहले रूटीन को फॉलो किया और उन सब चीजों पर ध्यान दिया जो बोला जा रहा था। सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो करंट अफेयर्स को जो बर्ड बोला कि रोज नोट्स बनाना, मैं भी बच्चों को यही बोलूंगा कि हर बच्चे को करंट अफेयर्स का सेम डे, करंट अफेयर्स का मतलब ही होता है कि करंट इवेंट्स को पता करना। आप 15 दिन पहले क्या हुआ वो करंट अफेयर्स थोड़ी हो सकता, वो तो पास्ट हो गया। तो ये जो तुमने बात बोली मैं बोलूंगा हर बच्चे को ऐसा करना चाहिए कि वो रेगुलर जो करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो नोट्स बनाता जाए, और जब वो खुद अपने हाथ से लिखेगा तो उसका रिविजन उसको बहुत कम टाइम में मिलेगा। और क्योंकि NDA केवल ना मैथ्स पे बेस्ड है ना GS पे बेस्ड है ना इंग्लिश पे, ये ओवरऑल पर्सनैलिटी को देखता है। और यही रीजन है जैसे हम अगर आज बात करें, एक और वर्ड बोला था आपने बीच में IIT, कि जब हम बात करते हैं IIT तो IIT केवल सब्जेक्ट ओरिएंटेड एग्जाम है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स नॉलेज कितनी है, पर NDA ऐसा नहीं है। और ये तो स्टार्ट है, इसके बाद आपका जब आप SSB में जाते हो तो जो अभी वर्ड बोला ये SSB का, ये जो आपने करंट अफेयर्स की आदत डाली है या जो जो नोट्स बनाए, ये सब आपकी पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट करेगा और ये कहीं ना कहीं SSB में आपको फायदा देगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सभी जूनियर को बोलूंगा। अच्छा दूसरा मैं एक और चीज बोलूंगा जो हमेशा होता है, कई बच्चे जब मुझसे पूछते हैं कि सर, या पेरेंट्स भी, कि बॉम्बे से सर भोपाल ये आना थोड़ा उल्टा सा समझ में आता, आपके पास क्यों आते हैं? तो आप भी बॉम्बे से भोपाल आए, तो जब आप आए और जब आने के बाद पढ़ा तो उसमें क्या डिफरेंस फील किया? ओके सर, तो भोपाल में आने का डिसीजन एक्चुअली मैं बताना चाहूंगा, मेरा एक दोस्त था अनमोल वर्मा, वो 142nd कोर्स में सिलेक्ट हो गया था, और मैंने उससे पूछा था कि अनमोल अगर तेरा 142nd नहीं निकलता, वो पहले ही अटेम्प्ट में अभी एकेडमी में है, ही इज गोइंग टू बी आवर सीनियर, तो मैंने उसको पूछा था कि अगर तेरा सिलेक्शन नहीं हो पाता तो व्हाट वुड हैव यू डन। सो उसने मुझे बोला था कि यार सितंबर गया तो अप्रैल भी छोड़ दो और मैं भोपाल चले जाता और वहां पे जाके मैं प्रिपरेशन करता, वहां पे शरद नेहा गुप्ता सर है वो बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं और सितंबर का अटेम्प्ट मैं क्लियर कर। और वो बात मेरे दिमाग में थी कि जब वो ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकता है तो आई मस्ट गो फॉर इट। तो मुझे वहां पे आने के बाद सब एक बड़ा डिफरेंस ये लगा कि वहां पे आने के बाद बच्चे सच में डिसिप्लिन हो जाते हैं। इट्स नॉट अबाउट बॉम्बे, इट्स नॉट अबाउट दिल्ली, इट्स अबाउट बीइंग एट होम। आप घर पे रहते हो तो आप एक कंफर्ट जोन में रहते हो, और आप जब घर से बाहर निकलते हो टू एक्सप्लोर योर सेल्फ, टू डेवलप योर सेल्फ, वो एक अलग सा माहौल बनता है और उसमें सर असली डेवलपमेंट होती है। हमें लोगों के पर्सपेक्टिव समझ में आते हैं कि लोग कितनी मेहनत करते हैं। सर मैंने देखा है कि हमारे हॉस्टल में अगर मैं कंसिडर करूँ तो कभी लाइट्स बंद ही नहीं होती थी, कोई ना कोई बच्चा पढ़ता रहता था। और हमें ये रियलाइज करने के लिए घर से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। हम जब क्लासरूम में बैठते हैं, सामने टीचर्स होते हैं जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं,
और वो सब जब चीज आती है आपके सामने तभी आपकी पढ़ाई बहुत बहुत सही होगी। और लेट अस कंसीडर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर भी आप जो पर्सन बन के बाहर निकलोगे दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये मैंने इम्पेटस में देखा है सर कि जिस हिसाब से 26 जनवरी का हमने एक प्रोग्राम किया था सर, आई रिमेम्बर, तो उस टाइम पे जिस हिसाब का माहौल था वहां पे, एवरीबडी इज एनकरेजिंग ईच अदर, हमने वहां पे प्रॉपर प्रोग्राम किया था, और ये सब चीजें आप घर बैठे नहीं कर पाओगे। बिल्कुल सही, उसके लिए घर से निकलना जरूरी। और ये एक बात है ना, जैसे आप आए भोपाल, अपना हम लोगों ने इम्पेटस गुरुकुल एक ऐसा फैमिली बनाया, हर कोर्स का बच्चा एक दूसरे से जुड़ता है, मिलके पढ़ता है, एक दूसरे को आगे बढ़ाता है। ये एक सबसे बड़ी चीज है जो इम्पेटस की इंपॉर्टेंट है। और जो एक वर्ड अभी आपने बोला, ये सुन के मुझे बड़ी खुशी होती है कि जो बच्चे बाईचांस भोपाल ज्वाइन नहीं भी करते हैं, वो भी बच्चा कहीं ना कहीं इम्पेटस से जुड़ा रहता है, और वो अपने जूनियर्स को यही सलाह देता है कि इम्पेटस गुरुकुल, और यही शायद हमारे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है। और हम कोशिश भी यही करते हैं कि बच्चे को हम अच्छे से अच्छा देने की कोशिश करें। तो ओजस, मैं यही बोलना चाहूंगा आपको कि अब आप SSB के लिए प्रिपरेशन करें, और जब आप फाइनली रिकमेंड होंगे तो फिर मैं बच्चों से आपको मिलवाऊंगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने जो कुछ सीखा है, जो कुछ पढ़ा है, इन सब का आपको फायदा मिलेगा SSB में। और याद रखना है कि SSB हमारे लिए एक माइंडसेट गेम है, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी, साइकोलॉजी, ये सब चेक होने वाली है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप उसमें भी एक अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात कि हर काम सिलेक्शन के लिए नहीं करना चाहिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। हमें अपनी नॉलेज, पढ़ाई, अब्दुल कलाम जी भी कभी रिजेक्ट हुए थे, पर वो कहाँ है वो हम जानते हैं। तो अगर हम उस चीज के लिए बिल्कुल सफिशियंट है, सही कैंडिडेट है, तो ऑब्वियसली सिलेक्ट होंगे, और नहीं है तो उसको एक्सेप्ट करके भी आगे बढ़ना चाहिए। ये सोच रख के जब कोई SSB में जाता है तो मैंने देखा उसके सिलेक्शन के चांस कई गुना ज्यादा होते हैं उन बच्चों से जो ये सोचते होगा कि नहीं होगा। तो इस डर के साथ ना तो हमें SSB फेस करना चाहिए, ना ही जीवन में कोई भी चीज को फेस करना चाहिए। फेस ये कि मैं अपना बेस्ट दूंगा, रिजल्ट जो भी होगा उसके लिए एक्सेप्ट तैयार हूं, पर मुझे अपनी लाइफ का बेस्ट करना है, और आपने वो किया है भोपाल आके। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो किसी भी बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जब कोरोना हुआ और एकदम से लॉकडाउन हुआ, उसके बाद आप वापस महाराष्ट्र आए, और स्पेशली मुंबई में तो हालत आज भी बुरी है, तो उस समय घर पे रह के जब ऑनलाइन पढ़ा और फिर अपने माइंड को सेट रखना, और इतनी निगेटिविटी की जो इवेंट्स हो रहे थे उन सबको देखने के बाद भी कैसे पढ़ाई को राइट तरीके से, राइट डायरेक्शन में किया, ये भी बच्चों को बताओ। क्योंकि मैं हमेशा ये एग्जाम्पल देता हूं कि अगर कुछ सीखना है तो सेना से सीखो, कंडीशन कैसी भी हो वो कभी नहीं रुकती, और वो ही जज्बा आपने पूरे समय रखा, ये जूनियर को जानना बहुत जरूरी है। सर आप बहुत सही बोले कि कोविड के बाद द सिचुएशन वाज वेरी मतलब पेक्यूलियर, ये किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि इस टाइप की सिचुएशन आएगी। उस टाइम पे सर मुझे याद है कि हम हॉस्टल में रहते थे, हमें ज्यादा पता नहीं चलता था कि व्हाट इज द सिचुएशन, कर्फ्यू क्या सिचुएशन है। पर जब सर मुझे याद है कि इट वॉज अ लास्ट फ्लाइट टू मुंबई, और मैंने आपको फोन किया था कि सर मैं चला जाऊं क्या, तो आपने बोला था कि बेटा अगर जा सकते हो तो निकल जाओ, एंड उस टाइम पे सर मुझे उसका सीरियसनेस पता चला था। सर मुंबई में आने के बाद बहुत मतलब हमें ये तो गारंटी थी कि एग्जाम पोस्टपोन होने वाला है, पर इस दौरान जो प्रॉब्लम होती है कि बच्चे को दिखता नहीं है कि कितना टाइम है अपने पास और कितनी और पढ़ाई हम कर सकते हैं। इस टाइम पे हमें परफॉर्मेंस सस्टेन रखने की ज्यादा जरूरत होती है रादर देन डेवलपिंग इट। तो मैंने वही किया सर, मैंने आने के बाद इम्पेटस के क्लासेस में कर ही रहा था, क्योंकि मैथमेटिक्स ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका था, और बाकी था वो पोर्शन भी GS का था जिसमें ज्योग्राफी और हिस्ट्री का, जो मॉडर्न हिस्ट्री का थोड़ा पार्ट बाकी था, बाकी सारा पोर्शन ऑलमोस्ट कवर हो चुका था। एंड क्योंकि हमारा टारगेट, क्योंकि 22 नवंबर को हमारा टारगेट यही था कि हम नवंबर में कर लें, तो कोविड के पहले हम ऑलमोस्ट सिलेबस कवर कर चुके थे। एग्जैक्टली, और उसके वजह से सर मुझे एक एज था कि मेरे पास सारा मटेरियल तैयार था, अभी मुझे बस उसकी रिविजन करनी थी और उसकी मास्टरी लगानी थी, और मुझे ये पता चला था कि मैं कहीं ना कहीं वहां पे हमें एनालाइज करना है कि मैं कहाँ लैग कर रहा था। तो मैंने देखा कि इंग्लिश में मेरा थोड़ा लैग हो रहा है, तो मैंने बहुत से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की भी तैयारी करी, वहां से भी इंफॉर्मेशन ली, इम्पेटस के क्लासेस चालू रखे, और वहां पे मुझे ये डिसीजन लेना था कि मुझे कहाँ कितना अटेंड करना है, क्योंकि वहां पे भी पूरा पोर्शन वापिस चालू हो चुका था फॉर द नेक्स्ट बैच। तो वहां पे मुझे डिसाइड करना था कि हाँ मुझे ये पार्ट में डिफिकल्टी हो रही है, कि शायद कौन से पार्ट छोड़ने हैं। तो आप बहुत चीज एक सही बोलते हो सर कि कौन से पार्ट छोड़ने हैं वो ज्यादा जरूरी है। तो सर हर एक पार्ट में हर बार बोलते रहते हैं कि ये चीज आपने छोड़ दी तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, बट ये बहुत सही करनी है। तो वही किया सर मैंने, सस्टेन रखना परफॉर्मेंस बहुत जरूरी था उस टाइम पे। सर आई रिमेम्बर कि डेट्स निकल नहीं रही थी,
और एकदम से बम फोड़ दिया कि दोनों एग्जामिनेशन साथ में होने वाली है। तो उस टाइम पे सर ये चीज तो बहुत क्लियर हो चुकी थी, तो मतलब इट वाज लाइक डू और डाई सिचुएशन फॉर अस। ये नहीं होता तो शायद दो अटेम्प्ट क्या सर दोनों निकल जाने वाले थे। तो मेरे पेरेंट्स का बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है सर इस पूरे जर्नी में, क्योंकि यहाँ पे मोर देन योर फिजिकल स्टडीज आपका मेंटल कामनेस रखना बहुत जरूरी होता है, और अगर आपके आजू बाजू रहने वाले लोग वो समझ नहीं पा रहे हैं तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। बीइंग फ्रॉम लाइक फैमिली लाइक दिस आई एम रियली ब्लेस्ड, और उसके वजह से मुझे बहुत सपोर्ट मिला सर। और मैंने वो एक चीज नोटिस करी है सर कि जिसने इस लॉकडाउन में पढ़ाई करी है उसकी सारी एग्जामिनेशन क्लियर हुई, और जिसने पूरे साल प्रिपेयर करके ये कोविड में पढ़ाई जिसने नहीं की उसके सारे अटेम्प्ट वेस्ट हो चुके। सो इस टाइम पे सर आई रिमेम्बर आपके भी फोन आते थे, पार्के सर यूज टू कॉल मी कंसिस्टेंटली कि पढ़ाई कर रहे हो ना, क्या चल रहा है, कोई डाउट है तो पूछो, जो भी हो रहा है। और वो चीज बहुत जरूरी है सर, अगर वो नहीं रहेगा, कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी और थोड़ा भी ब्रेक हो जाएगा यू आर गॉन। और उस टाइम पे मैंने ये भी चीज करी कि आई स्टार्टेड रीडिंग बुक्स, मैं बायोग्राफीज ऑटोबायोग्राफीज पढ़ना उस टाइम से ही चालू कर दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि अभी टाइम बहुत ज्यादा है मेरे पास। अगर मैंने इसका सही से यूटिलाइजेशन नहीं किया तो मैं इसमें गलत टाइम इन्वेस्ट करूंगा, और मोबाइल फोन पे ईश्वर उस्वर टाइम इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि आई इन्वेस्ट ऑन बुक्स। बाहर जाने का तो कोई नामो निशान था नहीं, सो आई रिमेम्बर कि 4-5 महीने तो मैं घर से ही नहीं निकला, ऑन दिस टेबल इटसेल्फ आई यूज्ड टू स्टडी। तो सर वो एक बहुत एज मिला, और वही था सर कि सबके लिए सिचुएशन सेम है, इवन इफ इट्स कोविड, इवन इट इज लॉकडाउन, एनीथिंग फॉर एवरीवन इज सेम। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप अगर कोविड में हो तो आप ही सिर्फ डिसएडवांटेज में हो, इट्स एवरीबडी एल्स हु इज इन डिसएडवांटेज। वो ही सोचना जरूरी है, लोग जाके ओवर अटेम्प्ट कर देते हैं। यू जस्ट इमेजिन कि लाइक सिचुएशन ऐसी है, सबको पता है कट ऑफ नीचे जाने की बहुत ज्यादा संभावना थी, ये भी पॉसिबिलिटी थी कि पेपर कैसे आएगा उसका कोई प्रेडिक्शन नहीं लगाया जा रहा था। पर सर आपका जो लास्ट सेशन हुआ था मुझे याद है कि आपने यही एग्जांपल दिया था कि मिलिट्री से सीखो, एंड आई रियली थिंक सर कि एक वो चीज जो होती है वो फैक्टर होता है कि आपका टीचर आपको पुश कर रहा है और वो चाहता है कि आपसे रिजल्ट निकले, तो रिजल्ट निकलता है। बिल्कुल, और जो इम्पोर्टेंट बात बोली ना, मैं पूरे अभी पिछले 5 महीने से हर सेशन में एक बात बोलता हूँ कि कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखाया। सबसे पहले जो बहुत मेहनत करने वाला था और मेहनत करने लगा, और जो कम वाला था वो कम करने लगा। इन सेशन में बिल्कुल सच में ऐसा हुआ कि जो बच्चे मेहनत कर रहे थे पर ड्यू टू कोविड या कब होगा ये वो सब, जैसे मैंने एक प्रेशर भी हैंडल किया, मैं बहुत फेवर में था कि एग्जाम होना चाहिए, पर कई लोग मेरे इसके अगेंस्ट खड़े हो गए मैंने कि नहीं नहीं एग्जाम नहीं होना चाहिए, कोविड वोविड। मैंने कहा आपको लाइफ में तो आगे बढ़ना ही है, तो जो लोगों ने ये सोचा कि ना हो, पोस्टपोन होता रहेगा, उनका बहुत लॉस हो गया। पर जिसने ये मान लिया कि नहीं, जो भी है ये सिचुएशन तो है और इसमें मेहनत करनी है, और उसने रिजल्ट दिया। और ये बिल्कुल यूनिक वर्ड है कि जिसने मेहनत की उसका रिजल्ट निकला है, और जिसने बाई चांस कोविड के वजह से छोड़ा, और पूरी दुनिया पे संकट था, ऐसा नहीं ना कि महाराष्ट्र की बात हो या इंडिया भोपाल की बात हो दिल्ली की, तो ये सबसे अच्छी बात है। और जैसे आज तुम्हारे अच्छे विचार है, मैं चाहूंगा इसी कॉन्फिडेंस के साथ, इसी बिलीव के साथ SSB भी दो, और जीवन में बहुत आगे बढ़ो, अपने को भी बढ़ाओ, अपनी फैमिली को भी और सोसाइटी को भी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वंस अगेन SSB के लिए भी। और अभी अपने आप को एक भी दिन नहीं छोड़ना है, पहली SSB 20 को है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप फर्स्ट SSB में जाएंगे और उसके बाद तुरंत हम बच्चों का एक इंटरव्यू लेंगे। चलिए, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। और लास्ट मैसेज जो आप अपने जूनियर को देना चाहोगे? सर प्रोफेशनली इज एनीवन हु इज मास्टर ऑफ स्मॉलेस्ट थिंग, स्मॉल थिंग। सो टू क्लियर एनी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, लिमिट योरसेल्फ, गेट परफेक्ट गाइडेंस एंड जस्ट कीप फेथ इन योरसेल्फ। 3 अटेम्प्ट जाए, 4 अटेम्प्ट जाए, 5वें अटेम्प्ट में सिलेक्ट होने वाले बच्चे हैं, तो जस्ट कीप फेथ इन योरसेल्फ, कीप योर फैमिली इन दिस, कीप इन्वॉल्व एवरीवन इन दिस प्रोसेस एंड एंजॉय द प्रोसेस, दैट इज इंपॉर्टेंट। वेरी गुड, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। हर अटेम्प्ट पहला होता है और हर अटेम्प्ट ही लास्ट अटेम्प्ट होता है, और जो निकल गया वो निकल गया, यही सोच के साथ बच्चों को आगे बढ़ना चाहिए। चलिए, थैंक यू, और ओजस फिर से एक बार ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू बेटा।